नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमवी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंटीलिया मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। उद्धव सरकार को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। उद्धव सरकार ने ये साफ किया है कि वह एंटीलिया मामले में न तो किसी अधिकारी या मंत्री को बचा रहे हैं और न ही बिना किसी सबूत के वो कार्रवाई करने वाले हैं। जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच अब कोई मतभेद नहीं है, ये भी उन्हें कहना पड़ा। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम मिल करके अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम आवास पे बुलाई गई तीनों सहयोगी दलों की बैठक के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ये बात की। सचिन वजे के सवाल पर मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस केस में हमें जैसे ही जानकारी मिली हमने कार्रवाई की, लेकिन पिछले 2 दिनों से कुछ अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। इसे हटाया जाएगा, उसे हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। सीएम ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सबूतों के आधार पे हम किसी को हटाएंगे या उस पे कार्रवाई करेंगे। अफवाहों के आधार पे कार्रवाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर महाविकास आघाड़ी के तीनों घटकों के बड़े मंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वजे को लेकर के सभी प्रमुख मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि इस केस से जुड़े अपडेट्स भी वे मंत्रियों को ब्रीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार है, ये आप सभी जानते हैं। इस बैठक में मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोराट, अनिल परब और जयंत पाटिल भी मौजूद है। बैठक में भाजपा की ओर से लगातार सरकार को घेरे जाने के प्रयास करने की राजनीति बनाई जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। ये भी इस बैठक में डिस्कशन का एक मुद्दा है। धनंजय मुंडे प्रकरण, टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण की मौत का मामला आदि सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद से सरकार लगातार बैकफुट पर है। इसलिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और 1 घंटे चली इस मुलाकात के बाद अब ये माना जा रहा है कि पवार के कहने पर ही उन्होंने, यानी कि उद्धव मंत्रियों ने ये बैठक बुलाई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पे हमलावर है। भाजपा नेता राम कदम ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कई सवाल भी उठाए हैं। चलिए जरा इन सवालों पे भी एक नजर डालते हैं। एक साधारण एपीआई जैसा अफसर इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे कर सकता है? महाराष्ट्र में न साधु संत सुरक्षित है, ना ही अंबानी जैसे उद्योगपति। एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या जल्द ही होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए अंबानी जैसे उद्योगपति को डराकर धन जुटाने का मकसद था? अगला सवाल, हमारा सवाल है शिवसेना और उसके साथी वजह की खुलकर वकालत करते हुए उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? अगला सवाल, क्या संगीन आरोप वाले व्यक्ति को बचाना उचित है? खैर, ये उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी सवालों के रूप में बात रखी और विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कहा है कि मनसुख हिरेन की हत्या का मामला अभी अनसुलझा है। भाजपा तब तक इस मामले में चुप नहीं रहेगी जब तक उनके हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, ये थी उस मीटिंग के बारे में खबर जो इस समय चल रही है। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको सारे अपडेट्स इससे जुड़े हुए देती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं, इस पर लाइक कर सकते हैं। और देखिए, अपनी राय मेरे इस वीडियो पर ज़रूर दीजिए ताकि मैं भी अपने आप को आपके अकॉर्डिंग और अच्छी खबरें दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।